तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग एक नए टेस्टनेट के बारे में बात करने वाले जो कि स्विस्ट्रॉनिक की तरफ से निकल के आ रहा है, जिन लोगों का टेस्टनेट 2.0 लाइव हुआ है 24 जुलाई को। यहाँ पे इनका टेस्टनेट लाइव हुआ है। यहाँ पे अगर आप लोग टेस्टनेट को परफॉर्म करेंगे तो आप लोगों को STWTR जो कि इनका नेटिव करेंसी है उसमें आप लोगों को रिवॉर्ड मिलेगा, प्लस आप लोगों को USDT एंड SWTR टोकन का रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ पे इनका जो टेस्टनेट है वो लगभग 1-1.5 महीने के लिए चलने वाला है। इन लोगों का मेन नेट जो है वो Q3 के अंदर यहाँ पे लॉन्च होगा। यहाँ पे मैं सिंपल से इन लोगों का फंडिंग के बारे में अगर आप लोगों को दिखाऊँ तो आप लोग देख सकते हैं 5 मिलियन का इन लोगों ने टोटल फंड रेज किया है। ये बेसिकली जो है ये प्राइवेसी Layer 1 प्रोटोकॉल है, जहाँ पे आप लोगों को कुछ टास्क वगैरह परफॉर्म करने हैं। यहाँ पे कुछ टेक्निकल टास्क होंगे, कुछ सिंपल वाले टास्क भी होंगे। सिंपल वाले टास्क के बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, टेक्निकल टास्क जो है वो भी मैं आप लोगों को इजीली एक्सप्लेन कर दूंगा, एकदम बच्चे की तरह मक्खन की तरह एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाला है। यहाँ पे कुछ कोडिंग बेस हम लोगों को टास्क देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो भी लिंक्स वगैरह रिक्वायर्ड होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम के अंदर प्रोवाइड करूंगा, एंड टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लोगों को इसके एयरड्रॉप को ज्वाइन करना है तो आप लोग आके हम लोगों को टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, एंड वहाँ से आप लोग इनका जो ये टेस्टनेट वाला लिंक है इसको आप लोग सिंपल से ओपन कर लेना। इस टाइप के टेस्टनेट को आप लोग ऑब्वियसली ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहाँ पे जो है टास्क जो होता है वो काफ़ी टेक्निकल होता है, तो पार्टिसिपेंट्स जो है वो काफ़ी कम होते हैं। यहाँ पे अभी के टाइम पे अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो सिर्फ 5 या 6 हज़ार लोगों ने ही इनके टेस्टनेट को ज्वाइन किया है। तो जितना यहाँ पे यूज़र कम होगा उतना हम लोगों को यहाँ पे रिवॉर्ड मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप लोगों को सिंपल से हमारे टेलीग्राम में आ जाना है, एंड इस लिंक को आप लोगों को किसी भी ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। अगर आप लोग यहाँ पे PC वगैरह का यूज़ करते हो तो सबसे बेहतर है, क्योंकि इस टाइप के काम को अगर आप लोग PC में करेंगे तो ही यहाँ पे आप लोग अच्छे से इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अगर आप लोग इसको मोबाइल के थ्रू करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी सारे दिक्कत होगा। तो अगर आप लोग इसको PC से कर रहे हो तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर आप लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हो तब भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ सारे टास्क जो है वो आप लोगों को मैनुअली करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे इसका PC का यूज़ करके ये सारे टास्क यहाँ पे कंप्लीट करने वाला हूँ। सिंपल हम लोग इनका जो टेस्टनेट वाला लिंक है उसको कॉपी कर ओपन कर लेंगे यहाँ पे। तो पेज को ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। सिंपल आप लोगों को यहाँ पे ज्वाइन का बटन मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को ज्वाइन पे क्लिक करना है। देन आप लोग इस टाइप के नीचे की तरफ थोड़ा सा आ जाएंगे, यहाँ पे ओपन डैशबोर्ड पे आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों कर लेना आपके वॉलेट को कनेक्ट। यहाँ पे मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा आप लोग अपना जितना भी एयरड्रॉप वाला वॉलेट होता है उसको यहाँ पे यूज़ मत करें। यहाँ पे एक नया बर्नर वॉलेट या फिर एक नया कोई भी वॉलेट आप लोग क्रिएट कर ले, नया वॉलेट क्रिएट करना है जिसके अंदर कोई भी फंड्स वगैरह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को प्राइवेट की के साथ कुछ छेड़खानी करनी है। तो आप लोगों को यहाँ पे ऑब्वियसली न्यू वॉलेट का ही यूज़ करना है। ओके, सिंपल आप लोग मेटामास्क में एक नया वॉलेट क्रिएट कर लेना। मैं यहाँ पे एक मेटामास्क का वॉलेट ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट क्लिक करना है, एक्सेप्ट कंडीशन पे क्लिक करना है, मेटामास्क को सिलेक्ट करेंगे, एंड सो मेटामास्क को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे डेस्कटॉप सिलेक्ट करना है, नीचे आप लोग कनेक्ट विद मेटामास्क एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, इसको सिलेक्ट करना है। जिस भी वॉलेट के साथ आप लोग कनेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करके कंफर्म करके आप लोगों को इस वाले वॉलेट को कनेक्ट करके आप लोगों को सिग्नेचर को यहाँ पे अप्रूव कर देना है। ओके, तो सिग्नेचर को हम लोगों ने अप्रूव कर दिया, एंड यहाँ पे हम लोगों का जो वॉलेट है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे कुछ मैटर आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को कुछ टेक्निकल टास्क मिलेंगे, टोटल 6 टास्क हम लोगों को टेक्निकल टास्क यहाँ पे परफॉर्म करना है। इसके बारे में मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर टोटल डिटेल में बता दूंगा, एंड काफ़ी ईजी तरीके से बताऊंगा। बाकी के आप लोगों को यहाँ पे कुछ अदर टास्क मिल जाते हैं, जैसे कि गिटकॉइन पासपोर्ट का। अगर आप लोग वैसे तो हम लोग यहाँ पे नए वॉलेट का यूज़ कर रहे हैं तो ये गिटकॉइन पासपोर्ट वाला टास्क जो है हम लोग स्किप करेंगे। बाकी का यहाँ पे आप लोग देख लेना, डाउनलोड स्विस्ट्रॉन ऐप, इंस्टॉल वॉलेट एक्सटेंशन, ये सब आप लोग कर लेना। यहाँ पे डेली आप लोगों को एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म करना है, यहाँ पे आप लोग उसके बाद आप लोगों को डेली फॉसेट क्लेम करना है, एंड फॉसेट वीकली स्ट्रिक पे क्लेम करना है। उसके बाद आप लोगों को ये कुछ आप लोगों को सिंपल वाले टास्क मिल जाएंगे, तो ये सारे आप लोग देख लेना है यहाँ पे। बाकी के मैं यहाँ पे आप लोगों को टेक्निकल वाले टास्क यहाँ पे सिंपल एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहला वाला जो टास्क है इसको परफॉर्म करने के लिए आप लोगों को करना क्या होगा, सबसे पहले तो आप लोगों को GitHub का एक अकाउंट बनाना है। तो हम लोग सिंपल से GitHub को लॉगिन कर लेते हैं। सो जिनका GitHub का अकाउंट नहीं है वो लोग एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेना, एकदम इजी सा स्टेप है GitHub का अकाउंट क्रिएट करना। जब आप लोग यहाँ पे GitHub का अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो आप लोगों को सिंपल से यहाँ पे पब्लिक पे क्लिक करके एक क्रिएट न्यू रिपोजिटरी यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है, या फिर आप लोग यहाँ पे प्रोफाइल के सेक्शन पे जाके योर रिपोजिटरी करके आप लोग एक नया रिपोजिटरी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग सिंपल यहाँ पे क्रिएट न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे, पब्लिक सॉरी यहाँ पे एक नाम डाल देता हूँ, सपोज करते इसको हम लोग पब्लिक पे सिलेक्ट करेंगे, एंड क्रिएट न्यू रिपोजिटरी पे हम लोग सिंपल से इसको क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा रिपोजिटरी जो फाइल है वो क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे मतलब फोल्डर क्रिएट हुआ है। यहाँ पे हम लोगों को एक नया फाइल क्रिएट करना है। अब नया फाइल क्रिएट करने के लिए इस वाले पोर्शन पे आप लोगों को क्रिएट न्यू फाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपल यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद आप लोगों को कुछ कोडिंग बेस मैं आप लोगों को कुछ लिंक्स प्रोवाइड करूँगा, जिसको आप लोगों को फॉलो करते हुए यहाँ पे सारे काम को कंप्लीट करने हैं। ये बेसिकली मैंने दूसरे एक यूट्यूबर से लिया है, क्योंकि मैं काफ़ी दो दिन से इसको ट्राई कर रहा था बट मेरे को एरर मिल रहा था। तो दूसरे एक यूट्यूबर का मैंने देखा, उसका अच्छे तरीके से यहाँ पे उसने सारे कोड वगैरह को सेटअप कर लिया है, तो उसका ही मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को यूज़ करूँगा, जिसका नाम है GA क्रिप्टो। आप लोग चाहे तो उसको जाके फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो सिंपल आप लोगों को सबसे पहले तो यहाँ पे टास्क कंप्लीट करने से पहले आप लोगों को फॉसेट जो है उसको क्लेम कर लेना है। फॉसेट का लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। यहाँ पे सिंपल फॉसेट पे क्लिक करना है, जिस भी वॉलेट एड्रेस के अंदर आप लोगों ने कनेक्ट किया था उसी वॉलेट एड्रेस के अंदर आप लोगों को फॉसेट जो है इसको क्लेम कर लेना है। इजी स्टेप है, आप लोगों को बस वॉलेट एड्रेस पेस्ट करना है एंड यहाँ पे क्लेम पे क्लिक करना है, आपके वॉलेट के अंदर फॉसेट आ जाएगा। विदाउट फॉसेट आप लोग यहाँ पे कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ओके, इसके बाद आप लोगों को सिंपल करना क्या है, सेव्ड मैसेज पे मैंने यहाँ पे सब कुछ सेव करके रखा है। आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे ये जो रिपोजिटरी है यहाँ पे टास्क वन के लिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेंशन किया हुआ है टास्क वन, ये टास्क वन के लिए ये जो रिपोजिटरी है इसके लिंक को आप लोगों को सबसे पहले ओपन करना है। ओके, तो इस लिंक को हम लोग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का कोड ओपन हो जाता है। सिंपल आप लोग करना क्या है, यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहला एक नेम देखने को मिल रहा है, ये वाला नाम। ओके, तो इस नाम को आप लोगों को कॉपी कर लेना है, ये वाला नाम आप लोगों को कॉपी कर लेना है। सिंपल सेम नेम आप लोगों को कॉपी करना है, कोई भी नाम के साथ छेड़खानी वगैरह आप लोगों को नहीं करना है। ओके, तो सेम नेम आप लोगों ने कॉपी कर लिया, यहाँ पे आप लोगों को सिंपल करना क्या है, न्यू फाइल जो आप लोगों ने क्रिएट किया था यहाँ पे आप लोगों को उसी को पेस्ट कर देना है। यहाँ पे सिंपल पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद टोटल जो कोड हम लोगों ने यहाँ पे ओपन किया ये वाला जो टोटल कोड है, इस कोड को आप लोगों को सिंपल से रॉ फाइल को यहाँ पे कॉपी करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रॉ फाइल यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है, पूरा रॉ फाइल आप लोग कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे एज इट इज़ आप लोगों को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को नीचे कमिट चेंजेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपल इस कमिट चेंजेस पे क्लिक करना है एंड कमिट चेंजेस पे आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करके आप लोगों को ये जो फाइल है रिपोजिटरी है इसको क्रिएट कर लेना है। अब जब आप लोगों का यहाँ पे रिपोजिटरी क्रिएट हो जाता है, सिंपल आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे आप लोगों को प्रोफाइल के सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे कॉर्नर पे योर रिपोजिटरी आप लोगों को देखने को मिलेगा, सिंपल योर रिपोजिटरी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आप लोगों ने अभी अभी यहाँ पे क्रिएट किया था वो आप लोगों को देखने को मिल गया अपडेटेड नाउ। ओके, तो इसको आप लोगों को सिंपल से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को कोड का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस वाले पोर्शन पे ये कोड का ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कर्सर मेरा मूव कर रहा है, ये कोड के ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है। कोड स्पेस पे आप लोगों को क्लिक करना है, करने के बाद क्रिएट कोड स्पेस ऑन मेन, ये वाला यानी कि आप लोगों को एक नया कोड स्पेस क्रिएट करना है। यहाँ पे बेसिकली हम लोगों को टर्मिनल जो है उसको रन करना है। तो यहाँ पे जो हमारा टर्मिनल है वो ओपन हो चुका है। सिंपल आप लोगों को करना क्या है, वापस आप लोगों को टेलीग्राम में आना है। यहाँ पे सबसे पहला टास्क वन के नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा कमांड वन, तो इस कमांड वन से आप लोगों को ये CHMOD से सिलेक्ट करें, इस वाले पोर्शन को आप लोगों को सिंपल से कंट्रोल सी दबा के कॉपी करना है, टर्मिनल में ले जाना है एंड यहाँ पे नीचे की तरफ आप लोग देख सकते हैं ये मेन इस वाले पोर्शन पे आप लोगों को उस कमांड को पेस्ट करना है। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग कमांड को पेस्ट करेंगे, इसको अलाउ कर देते, तो सिंपल कमांड पेस्ट करके यहाँ पे आप लोगों को एंटर करना है एंड बाकी जो काम होगा यहाँ पे कुछ सेकंड्स का टाइम आप लोगों को लग सकता है। ये जो है अपना काम यहाँ पे बैकग्राउंड में स्टार्ट कर चुका है, तो जब तक ये कंप्लीट नहीं होता हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो आप लोगों को सिंपल वेट कर लेना जब तक कि ना इस तरीके से आप लोगों को इंटरफेस देखने को मिलता है टर्मिनल के अंदर, इस तरीके से हार्ड रेट नाम का ये इंटरफेस जब तक ना आप लोगों को देखने को मिलता है आप लोगों को वेट कर लेना है, प्रोसेस को कंटिन्यू होने देना है। यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं व्हाट डू यू वांट टू क्रिएट, ये बेसिकली हम लोगों को पूछ रहा है कि तुम करना क्या चाहते हो यहाँ पे। तो हम लोगों को यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का फाइल क्रिएट करना है, तो सिंपल यहाँ पे ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हम लोगों को बस एंटर एंटर करते जाना है। ओके, तो यहाँ पे एंटर मारेंगे, इसको भी हम लोग एंटर मारेंगे, यहाँ पे येस वाई हम लोगों का सिलेक्टेड है, इसको भी एंटर मारेंगे, यहाँ पे भी हम लोगों का येस वाई सिलेक्टेड है, इसको भी एंटर मारेंगे एंड ये फिर से अपना जो प्रोसेसिंग है उसको कंटिन्यू करने लगा है। तो यहाँ पे आके हमारा जो टर्मिनल है वो रुक चुका है। यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को करना क्या है, आपके वॉलेट का प्राइवेट की यहाँ पे डालना है। इसके लिए मैं आप लोगों को कह रहा था कि आप लोग यहाँ पे नया वॉलेट का क्रिएट करें, चाहे प्रोजेक्ट बाइनेंस का हो चाहे प्रोजेक्ट किसी का भी हो, जब भी आप लोग कोई एयरड्रॉप वगैरह करते हैं सब हर वक्त आप लोग एक नया वॉलेट का यूज़ करना। ओके, तो मैं सिंपल से यहाँ पे वॉलेट का जो प्राइवेट की है उसको निकाल लेता हूँ। आप लोग चाहे तो इस प्राइवेट की को ओपन करके आप लोग सेव करके रख सकते हैं, या इस्लाम के टाइम पे मेरा किसी ने प्राइवेट की सेव करके मेरा पूरा वॉलेट साफ कर देते तो इसको भी आप लोग सेव कर सकते हैं। वैसे इसमें आप लोगों को कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि ये एक बर्नर वॉलेट है, ये बस आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो सिंपल यहाँ से हम लोग प्राइवेट की को ओपन कर लेंगे एंड इस प्राइवेट की को आप लोगों को कहीं पे सेव कर लेना है, क्योंकि अभी अक्सर हम लोगों को यहाँ पे प्राइवेट की का ज़रूरत पड़ने वाला है।
तो सिंपल हम लोग यहाँ पे प्राइवेट की जो है उसको पेस्ट मारेंगे, पेस्ट मारने के बाद एंटर करेंगे एंड ये हमारा जो कंपाइलर है वो अपना जो प्राइवेट की है उसको कंपाइल करके यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको डिप्लॉय कर रहा है। अब यही हमारा टास्क वन है, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट जो है हम लोगों को डिप्लॉय करके वहाँ पर सबमिट करना है। तो हमारा टास्क यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, ये आप लोग देख सकते हैं। जब तक कि ना यहाँ पे मेन आके यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, आप लोगों को यहाँ पे बस थोड़ा सा वेट कर लेना है। अभी आप लोगों को करना क्या है, आपका जो टास्क वाला पेज है वहाँ पे जाना है। यहाँ पे फर्स्ट वाला जो टास्क है यहाँ पे सिंपल से स्टार्ट क्वेस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्या मांग रहा है, एंटर डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने डिप्लॉय किया था उसको हम लोगों को एंटर करना है यहाँ पे। तो कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों को कहाँ से मिलेगा, थोड़ा सा स्क्रोल अप आप लोगों को करना है। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे स्विस कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयड। ओके, तो इस वाले कॉन्ट्रैक्ट को आप लोगों को कॉपी करना है। यहाँ पे आप लोगों को देखेगा ये जो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयड, इस वाले मैसेज को आप लोगों के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा उसी कॉन्ट्रैक्ट को आप लोगों को यहाँ पे कॉपी कर लेना है। तो सिंपल इस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कॉपी कर लेंगे। एंड इस वाले पेज पे ले जाके हम लोग सिंपल इसको पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी सबमिट। यह हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है सबमिट। इसके बाद आप लोगों को गिटहब का जो रिपोजिटरी है उसको आप लोगों को सिंपल से यहाँ पे सबमिट करना है। तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों का जो गिटहब का फाइल है यानी कि गिटहब का प्रोफाइल है, सिंपल उस प्रोफाइल पे आना है। प्रोफाइल पे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को सिंपल आप लोगों का जो रिपोजिटरी वाला सेक्शन है उसको सिलेक्ट करके आप लोगों ने जो नया रिपोजिटरी बनाया था ये प्रोवत वाला, जहाँ पे आप लोगों ने इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया है, इसको सिंपल से आप लोगों को कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे कोड देखने को मिलेगा, लोकल पे जाना है एंड यहाँ पे आप लोगों को इस वाले लिंक को कॉपी करना है एंड यहाँ पे ले जाके सिंपल आप लोगों को इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट करके सबमिट कर देना है। ये हमारा टास्क वन जो है कंप्लीट हो चुका है एंड हम लोगों ने अपना जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट एंड गिटहब का रिपोजिटरी है टास्क वन के लिए यहाँ पे सबमिट कर दिया। अब कुछ घंटों के बाद यहाँ पे ये लोग मैनुअली इसको वेरीफाई करेंगे एंड उसके बाद अपना जो पॉइंट्स वगैरह है उसको वेरीफाई करके हम लोगों को यहाँ पे अपडेट कर देगा। तो टास्क वन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। इसके बाद टास्क टू आता है, सिमिलर तरीका ही यहाँ पे टास्क टू का भी आप लोगों को इजी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे सिंपल टास्क टू फिर किस तरीके से करना है। यहाँ पे हम लोगों का टास्क वन कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप लोगों को एक और आप लोगों को कोड यहाँ पे कमांड देखने को मिल जाएगा टास्क वन के नीचे। आप लोग देख सकते कमांड वन यहाँ पे इसको आप लोगों ने डिप्लॉय किया था। कमांड टू पे आप लोगों को करना है कि आपका जो गिटहब है उसके रिपोजिटरी को अपडेट करते रहे, इसके लिए ये कमांड का हम लोग यूज़ करेंगे। इसको सिंपल कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं एंड हम लोग टर्मिनल में जाएंगे एंड इसको हम लोग सिंपल यहाँ पे कंट्रोल वी में पेस्ट करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। इससे होगा क्या, यहाँ पे जितने भी हम लोगों ने नया फाइल यहाँ पे टर्मिनल के अंदर क्रिएट किया है सब यहाँ पे अपना जो गिटहब का रिपोजिटरी है वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, सिंपल आप लोग आके यहाँ पे देख सकते हैं मेरे इस वाले रिपोजिटरी के अंदर सिर्फ एक फाइल है जो मैंने आप लोगों के सामने क्रिएट कर दिया, बाकी जो हम लोगों ने टर्मिनल के थ्रू क्रिएट किया वो सब यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। बट उस कमांड को यूज़ करने के बाद अगर हम लोग इसको रिफ्रेश करें तो आप लोगों को यहाँ पे फाइल का लिस्ट देखने को मिल जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं जितने भी फाइल्स फोल्डर्स वगैरह हम लोगों ने टर्मिनल के अंदर क्रिएट किया था वो सब यहाँ पे अपडेट हो चुका है। ओके, तो अभी हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे अपना जो सेकंड टास्क है उसके ऊपर। सेकंड टास्क के लिए आप लोगों को करने के यहाँ पे मिंट 100 ERC टोकन, आप लोगों को ERC टोकन को मिंट करना है। इसके लिए आप लोगों को करना है सबसे पहले ये जो फर्स्ट वाला लिंक है सेकंड टास्क के नीचे जो लिंक है इसको आप लोगों सिंपल ओपन करना है। एज इट इज़ जैसा आप लोगों को नेम देखने को मिल रहा है इसी नाम को आप लोगों को कॉपी करना है। गिटहब के आप लोगों के टर्मिनल पे वापस आना है। आने के बाद यहाँ पे आप लोग जो आप लोगों का यहाँ पे कोड स्पेस रन हो रहा है यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग करके यहाँ पे आप लोगों को ये क्रिएट नहीं करना है, आप लोगों को जो कहते हैं रिपोजिटरी क्रिएट नहीं करना है, एक ही रिपोजिटरी के अंदर आप लोग सारे टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे आप लोगों को फाइल का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं न्यू फाइल यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे। तो इस न्यू फाइल पे आप लोगों को सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग जिस नाम को कॉपी किए रहते थे एज इट इज़ उसी नाम को आप लोगों को पेस्ट करना है, एंटर कर देना है। करने के बाद यहाँ पे आप लोगों का ऊपर की तरफ टर्मिनल के ऊपर की तरफ एक और पेज आप लोगों के सामने ओपन हो चुका है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे छोटा करते हैं। इसके बाद आप लोगों करने के सेम लिंक को आप लोगों को कॉपी करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद पूरा जो रॉ मटेरियल है यहाँ पे कोडिंग का, इस पूरे रॉ मटेरियल को आप लोगों को कॉपी करना है। कॉपी करके फिर से आप लोगों को टर्मिनल पे आना है एंड ऊपर के पोर्शन पे इस पूरे रॉ मटेरियल को आप लोगों को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे रॉ मटेरियल जो है वो सक्सेसफुली पेस्ट हो चुका है। अभी हम लोगों का काम है नीचे टर्मिनल की तरफ, तो यहाँ पे सिंपल से इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं। इसके बाद आप लोगों को जाना है फिर से टेलीग्राम के अंदर। टेलीग्राम पे आने के बाद टास्क टू का हम लोगों ने इस वाले फाइल को यहाँ पे क्रिएट किया है। अभी आप लोगों को कमांड जो देना है यहाँ पे CHMOD इस वाले कमांड को आप लोगों सिंपल कॉपी करना है। कॉपी करके आप लोगों को कंट्रोल सी लगा के हम लोग इसको कॉपी करेंगे। टर्मिनल पे आएंगे, यहाँ पे मेन आप लोगों को डॉलर साइन दिख रहा है, यहाँ पे सिंपल हम लोग इसको पेस्ट करेंगे एंड इसको हम लोग रन कर देंगे।
तो यहाँ पे हमारा जो ERC कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो स्क्रिप्ट है यहाँ पे बैकग्राउंड पे रन और स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे कंपाइल हो रहा है सारी चीज़ें, तो हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे इसने हम लोगों से फिर से प्राइवेट की मांग लिया, तो हम लोगों ने प्राइवेट की ऑलरेडी निकाल के रखा था, उसको हम लोग सिंपल आके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो आपके वॉलेट का प्राइवेट की यहाँ पे आप लोगों को पेस्ट करना है, एंटर मारना है, एंड यहाँ पे आप लोगों से पूछ रहे हैं कि आप लोग आपके टोकन को क्या नाम देना चाहते हैं, तो कोई भी एक नाम आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ किरण लिख के सर सिलेक्ट कर देते हैं। ओके, तो टोकन का नाम हमने दे दिया। अब हम लोगों को यहाँ पे साइन बॉल देना है, तो के इन डाल के यहाँ पे हम लोगों ने साइन बॉल दे दिया, एंड ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है टोकन का, ये यहाँ पे अपना जो क्रिएटिंग का काम है वो सब यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है, तो हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो हमारा यहाँ पे टोकन जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब सेकंड टास्क में हम लोगों को यहाँ पे क्या क्या सबमिट करना है सिंपल देख लेते हैं। फर्स्ट टास्क हम लोगों का हो गया, स्टार्ट क्वेस्ट पे सिंपल क्लिक करेंगे, एंटर द डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। तो हम लोगों को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को एंटर करना है, ये आप लोग देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयड, यहाँ से आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को कॉपी करना है। ओके, तो इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को हम लोग सिंपल कॉपी करेंगे कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे ले जाके हम लोग इसको करेंगे पेस्ट, कंट्रोल वी सबमिट। इसके बाद आप लोगों को करना क्या है, आपके GitHub का रिपोजिटरी का लिंक आप लोगों को यहाँ पे सबमिट करना है। तो सिंपल हम लोग GitHub का जो रिपोजिटरी है सेम लिंक, आप हम लोगों ने एक ही लिंक के अंदर सारे फाइल्स को अपडेट किया है, तो सेम लिंक को आप लोगों को कॉपी कर लेना है, कॉपी करके आप लोगों को पेस्ट कर देना है यहाँ पे ले जाके। तो GitHub का इसको भी हम लोगों ने सबमिट कर दिया। इसके बाद आप लोगों को पूछ रहा है कि आप लोगों ने जो टोकन क्रिएट किया था उसका ट्रांजेक्शन लिंक दो, तो इसके लिए हम लोगों को फिर से टर्मिनल पे आना है, एंड टर्मिनल पे आने के बाद यहाँ पे हम लोगों को इसका जो ट्रांजेक्शन हैज़ है वो हम लोगों को देखने को मिल जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं ट्रांजेक्शन हैज़, तो इस वाले पूरे लिंक को हम लोगों को कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करना है। तो HTTPS से आप लोगों को कॉपी करना है, टोटल कंट्रोल सी करके हम लोग कॉपी करेंगे, एंड यहाँ पे ले जाके हम लोग इसको पेस्ट करेंगे। तो हमारा यहाँ पे टास्क टू जो है वो भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद हम लोगों को करना क्या है, टास्क थ्री, यहाँ पे हम लोगों को ERC-721 का NFT जो है यानी कि टोकन जो है उसको मेंट करना है। तो सेम प्रोसीजर रहेगा आप लोगों के लिए, यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले वापस आप लोगों को आना है टेलीग्राम के अंदर। टेलीग्राम के अंदर मैं आप लोगों को टास्क थ्री लिख के जो प्रोवाइड करूँगा लिंक, वो लिंक आप लोगों को ओपन करना है सिंपल से, इस वाले लिंक को आप लोगों को ओपन करना है। लिंक का जो ऊपर नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा सिंपल सेम नाम आप लोगों को कॉपी कर लेना है, कॉपी करके आप लोगों को टर्मिनल पे आना है। आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को नया फाइल जो है उसको सिंपल क्रिएट कर लेना है, कंट्रोल वी डाल के इसको पेस्ट करके एंटर करना है। करने के बाद पूरे रॉ फाइल को आप लोगों को यहाँ पे सिंपल कॉपी कर लेना है, ERC-721 का पूरा जो रॉ फाइल है सिंपल इस रॉ फाइल को हम लोग कॉपी करेंगे, देन फिर से हम लोग यहाँ पे ऊपर के पोर्शन पे यहाँ पे पूरे रॉ फाइल को पेस्ट करेंगे। सिंपल कंट्रोल वी डाल के हम लोगों ने पेस्ट कर दिया। टेलीग्राम पे आप लोगों को वापस आना है। टेलीग्राम पे आने के बाद यहाँ पे टास्क थ्री के नीचे आप लोग देख सकते हैं कमांड वन, तो ये CHMOD से आप लोगों को कॉपी करना है। इस वाले पोर्शन को आप लोग सिंपल से कंट्रोल सी लिख के कॉपी करें, एंड इसके बाद आप लोगों को टर्मिनल के नीचे आके इसको कंट्रोल वी डाल के पेस्ट कर देना है, तो ये अपना प्रोसेसिंग जो है यहाँ पे स्टार्ट कर देगा। तो आप लोगों को यहाँ पे फिर से वेट कर लेना है। सेम प्रोसीजर है टास्क वन में, जो जो आप लोगों ने यहाँ पे काम किए थे वही सेम काम आप लोगों को हर एक टास्क में यहाँ पे करना है। ओके, तो यहाँ से हम लोगों को प्राइवेट की पूछ रहा है, तो सिंपल हम लोग प्राइवेट की को यहाँ पे डाल देंगे। सिंपल प्राइवेट की हमारा आ चुका है, यहाँ पे हम लोगों को एक NFT का नाम डालना है। तो सिंपल मैं यहाँ पे प्रोभा तलेगी, तो मेरा ही खुद का नाम है, साइम्बल हम लोग PH कर देते। ये भी कंपाइल होना स्टार्ट हो चुका है, सिंपल इसका कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होगा, इसके कॉन्ट्रैक्ट को ले जाके हम लोगों को टास्क थ्री में पेस्ट करना है। तो हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो चुका है। सिंपल से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग सिंपल यहाँ पे कॉपी करेंगे, एंड यहाँ पे ले जाएगा टास्क थ्री क्वेस्ट को स्टार्ट करके हम लोग सिंपल इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, कंट्रोल वी कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने डाल दिया। GitHub का रिपोजिटरी हम लोगों को डालना है, सिंपल से GitHub पे जाएंगे, वापस प्रोफाइल पे जाएंगे, सेम रिपोजिटरी हम लोगों को कॉपी करना है, एंड वहाँ पे ले जाके हम लोगों को सिंपल इसको पेस्ट करना है। GitHub का रिपोजिटरी हम लोगों ने पेस्ट कर दिया, सबमिट करेंगे। अभी आप लोगों को NFT का जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसका लिंक आप लोगों को सिंपल प्रोवाइड करना है। सिंपल वापस आएंगे यहाँ पे हम लोग टर्मिनल के अंदर, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्रांजेक्शन रिसिप्ट, तो इसी लिंक को आप लोगों को कॉपी करना है। HTTPS से आप लोगों को सिंपल टोटल यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके आप लोग कॉपी कर लेंगे, एंड यहाँ पे ले जाके आप लोगों को सिंपल इसको पेस्ट कर देना है।
तो सिंपल हम लोग इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे एंड हमारा जो टास्क फ्री है वो क्लिक सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अभी यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने दो टास्क करके दिखाए बट उसको अपडेट मैंने यहाँ पे नहीं किया था, तो सिंपल मैं आप लोगों के सामने अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे टास्क टू के नीचे कमांड वन के नीचे कमांड टू, देन टास्क वन के नीचे कमांड वन के नीचे कमांड टू, तो ये जो कमांड टू है सबके लिए ये सेम ही है। ये करता क्या है, ये बस आप लोगों ने जो भी फाइल वगैरह क्रिएट किया आपके गिटहब के अंदर ले जाके आपका जो रिपोजिटरी है उसको अपडेट कर देगा। तो सिंपल इसको हम लोग कॉपी करेंगे एंड अपना जो फाइल है गिटहब का उसको हम लोग सिंपल अपडेट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे इस वाले कमांड को हम लोग एक बार इसको रन कर देते हैं एंड हमारा जो गिटहब का रिपोजिटरी है वो सक्सेसफुली यहाँ पे अपडेट हो चुका है। अभी हम लोगों को करना है कि यहाँ पे टास्क फोर वाला काम करना है। टास्क फोर में हम लोगों को करना क्या है, एक NFT बेसिकली हम लोगों को पता लगता है एक PRC NFT टोकन हम लोगों को यहाँ पे क्रिएट करना है। PRC मतलब जैसे इथेरियम का ERC-20 हो चुका है, बिटकॉइन का BRC-20 होता है, BSC का BEP-20 होता है, उसी तरीके से ये अपना जो प्राइवेसी प्रोटोकॉल है इसका PRC-20 टोकन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो PRC-20 के अंदर है। ओके, तो इसको हम लोग को सिंपल से क्रिएट करना है। सेम प्रोसीजर आप लोगों को आना है टेलीग्राम के अंदर, आप लोगों को इसका भी लिंक दे दूंगा। ये जो टास्क थ्री के नीचे टास्क फोर आप लोगों को देखने को मिल रहा है मिंट PRC टोकन, इसका लिंक आप लोगों को सिंपल से ओपन कर लेना है। ओपन करके सेम प्रोसीजर, नाम आप लोगों को यहाँ से एज इट इज़ कॉपी करना है, टर्मिनल पे जाना है, नया एक फाइल आप लोगों को यहाँ पे क्रिएट करना है, नाम को आप लोगों को यहाँ पे पेस्ट करना है, कंट्रोल वी डाल के एंटर करना है। करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को पूरा का पूरा रॉ मटेरियल जो है इसको भी कॉपी करना है। कॉपी करके फिर से टर्मिनल पे आना है, ऊपर के पोर्शन पे आप लोगों को ये जो PRC-20 इसके ऊपर के पोर्शन पे आप लोगों को पूरा रॉ मटेरियल यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आप लोगों को फिर से टेलीग्राम पे आना है। टेलीग्राम पे आने के बाद PRC-20 के नीचे कमांड वन जो है आप लोगों को सिंपल इस कमांड को पूरा कॉपी करना है, टर्मिनल के नीचे आना है एंड इस पूरे कमांड को आप लोगों को पेस्ट करके एंटर कर देना है। तो ये फिर से अपना जो काम है वो अपना स्टार्ट कर चुका है, हम लोगों को बस वेट करना है। आप लोग प्राइवेट की को सेव करके यहाँ पे वेट कर ले, यहाँ पे आप लोग अपना काम जो है वो अपडेट करके रख दे। ओके, तो सिंपल हम लोग यहाँ पे प्राइवेट की को कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C एंड देन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। प्राइवेट की पूछ रहे हैं, सिंपल हम लोग Ctrl+V डाल के प्राइवेट की को डालेंगे, एंटर करेंगे। टोकन का नाम आप लोग कुछ भी डाल दें, मैं यहाँ पे फिर से प्रभात डाल देता हूँ। टोकन का PH आप लोग कुछ भी डाल दें। यहाँ पे साइन बोल करते हैं, यहाँ पे अपना जो PRC-20 का टोकन है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे सक्सेसफुली डिप्लॉय होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी हमारा डिप्लॉय हो चुका है। सिंपल से आप लोगों को करना क्या है, कॉन्ट्रैक्ट जो आप लोगों ने डिप्लॉय किया था PRC-20 वॉज डिप्लॉयड, तो इस वाले पोर्शन को आप लोग सिंपल से कॉपी कर लेंगे। ओके, तो Ctrl+C लगा के हम लोग इसको कॉपी किए, फिर से हम लोग टास्क वाले पेज पे जाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने PRC-20 का कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया था, तो सिंपल इसका जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है यहाँ पे हम लोग सबमिट करेंगे। इसके बाद हम लोगों को गिटहब का रिपोजिटरी सबमिट करना है, सेम आप लोगों को सेम रिपोजिटरी कॉपी करना है एंड यहाँ पे आप लोगों को सबमिट कर देना है। ओके, तो गिटहब का रिपोजिटरी हम लोगों ने सबमिट कर दिया। यहाँ पे फिर आप लोगों को टोकन का ट्रांजेक्शन हैज़ कॉपी करके आप लोगों को सबमिट करना है। सिंपल टर्मिनल पे आएंगे एंड यहाँ पे आप लोगों का देख सकते हैं टोकन हैज़ यहाँ पे नीचे की तरफ HTTPS से आप लोगों को सिंपल इसको कॉपी कर लेना है। ओके, Ctrl+C सबमिट, ये हमारा फोर्थ वाला टास्क कंप्लीट हो चुका है। अभी फिफ्थ टास्क में आप लोग देख सकते हैं डिप्लॉय या प्राइवेट NFT, इसका भी सेम प्रोसीजर है। वो ज़्यादा कुछ यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, जो कुछ आप लोगों ने यहाँ पे किया है वही सेम प्रोसीजर है। सिंपल आप लोगों को आना है, आप लोगों को टास्क फाइव का जो लिंक है इसको आप लोगों सिंपल ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद एज इट इज़ आप लोग इसके नाम को कॉपी करेंगे ऊपर के पोर्शन पे, देन आप लोग टर्मिनल पे वापस आएंगे। यहाँ पे एक नया फाइल आप लोग क्रिएट करेंगे, नया फाइल क्रिएट करने के बाद उसी नाम को आप लोगों को पेस्ट करना है, एंटर करना है। पूरे रॉ फाइल को आप लोगों को यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप लोगों को फिर से यहाँ पे आना है ऊपर के पोर्शन पे, पूरे रॉ फाइल को आप लोगों को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद फिर से आप लोगों को टेलीग्राम में आना है। टेलीग्राम पे आने के बाद कमांड वन जो है इसको आप लोग सिंपल पूरा कॉपी कर लेना है Ctrl+C लगा के, देन फिर से आप लोगों को यहाँ पे नीचे आना है। टर्मिनल के नीचे आप लोगों को इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आप लोगों को एंटर करना है एंड वेट करना है आप लोगों का प्राइवेट आपका जो प्राइवेट की है उसके साथ। तो यहाँ पे आप लोग आपका प्राइवेट की डालेंगे एंड देन ये अपना कॉन्ट्रैक्ट टोकन का नाम मांग रहा है, तो यहाँ पे एक कुछ भी नाम डालेंगे। आप लोगों को साइन बॉल डालना है यानी कि टिकर डालना है, सिंपल डालेंगे एंड ये अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसको डिप्लॉय कर रहा है NFT का। तो हमारा यहाँ पे फिफ्थ वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। सिंपल आप लोगों को करने के यहाँ पे आना है, आप लोगों को डिप्लॉय प्राइवेट NFT स्टार्ट क्वेस्ट पे क्लिक करना है। आप लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है
डिप्लॉय किया था उसको आप लोगों को सिंपल से कॉपी कर लेना। यहाँ पे आप लोगों को डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मिल जाता है, सिंपल इसको कंट्रोल सी लगा के कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे ले जाके हम लोगों को सिंपल इसको कंट्रोल वी लगा के पेस्ट करना है सबमिट। गिटहब का आप लोगों को रिपोजिटरी यहाँ पे डालना है, सिंपल आप लोगों को गिटहब पे आना है एंड इसका जो रिपोजिटरी है सिंपल इसको कॉपी करना है एंड यहाँ पे ले जाके आप लोगों को सिंपल गिटहब के रिपोजिटरी को यहाँ पे सबमिट कर देना है, पेस्ट कर देना है। ओके, तो हमारा जो फिफ्थ वाला टास्क है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग एक बार इस वाले जो टोटल हम लोगों ने टर्मिनल पे काम किया है उसको हम लोग अपडेट कर लेंगे। इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे सिंपल टेलीग्राम पे आना है, जो कमांड आप लोगों को दिया था ये वाला, इसको आप लोगों को सिंपल से यहाँ पे रन कर देना है। ये सेम ही कमांड है, हर एक टास्क के नीचे आप लोगों को सेम ही कमांड मिलेगा। ये बस आप लोगों को गिटहब के रिपोजिटरी को अपडेट करने के लिए दिया गया है। ओके, तो सिंपल इसको हम लोग यहाँ पे रन करेंगे एंड हमारा जो यहाँ पे गिटहब है वो अपडेट हो चुका है। सिंपल मैं आप लोगों को गिटहब पे ले जाके इसको अगर रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो आप लोग देख पाएंगे जितने भी फाइल हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया था, जैसे कि ERC 721, ERC 20, ये सारे फाइल यहाँ पे हमारा अपडेट हो चुका है। तो अभी टास्क 6 है, सेम प्रोसीजर है आप लोगों को, टास्क 6 का भी सेम प्रोसीजर आप लोगों को यूज़ करना है। सिंपल आप लोगों को लिंक ओपन कर लेना है, नाम को आप लोगों को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद टर्मिनल पे आप लोगों को आना है, नया फाइल जो है उसको आप लोग यहाँ पे कॉपी कर ले, पेस्ट करते एंटर करें, देन आप लोगों को सिंपल आना है फिर से यहाँ पे रॉ फाइल को कॉपी करें, यहाँ पे टर्मिनल पे आए ऊपर की तरफ कंट्रोल वी लगा के पेस्ट करें, टेलीग्राम में आना है। आने के बाद यहाँ पे फर्स्ट जो कमांड है इसको कॉपी करें कंट्रोल सी लगा के, देन आप लोग टर्मिनल पे आए, टर्मिनल के नीचे आप लोगों को इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट करना है। ये जो अपना काम है यहाँ पे कंप्लीट करना स्टार्ट कर देगा। आप लोगों को थोड़ा सा वेट कर लेना, आप लोग तब तक अपना जो प्राइवेट की है उसको कॉपी कर ले ताकि आप लोग यहाँ पे रेडी रह सके। तो सिंपल हम लोग इसको कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे ले जाके हम लोग इसका जो प्रोसेसिंग है इसके लिए हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेंगे। सिंपल हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डाल देंगे, यहाँ पे हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिप्लॉय हो चुका है, एक्सप्लोरर भी आ चुका है। यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे सबमिट हम लोगों को करना क्या है। ओके, तो यहाँ पे जो 6 नंबर वाला टास्क है यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इंटर डिप्लॉयड प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। तो अभी हम लोगों को यहाँ पे क्या सबमिट करना है वो समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे डिप्लॉइंग कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस विथ अकाउंट नॉन प्रॉक्सी स्विस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डिप्लॉयड, यहाँ पे 2-4 हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। तो इसके यहाँ पे क्या सबमिट करना है ये तो थोड़ा सा इशू दिख रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे आप लोग सिंपल से इसको करके रखें, यहाँ पे इसको करने के बाद आप लोग सिंपल से फाइल को अपडेट कर दें। यहाँ पे जो आप लोगों के गिटहब के रिपोजिटरी के अंदर अपडेट हो जाएगा तो सिंपल इसको आप लोग अपडेट कर दें। उसके बाद मैं आप लोगों को डिस्कॉर्ड से, इसका जो डिस्कॉर्ड है वहाँ से आप लोगों को कन्फर्म करके बता दूंगा कि टास्क 6 के अंदर हम लोगों को क्या क्या पेस्ट करना है। ओके, तो इसको सिंपल हम लोग कंट्रोल सी करके कॉपी करेंगे एंड ये वाला जो टर्मिनल वाला ये वाला जो टोटल फाइल है इसको हम लोग सिंपल अपडेट कर देंगे अपने गिटहब के अकाउंट के अंदर। सो नेक्स्ट टाइम जो हम लोग इसको यूज़ करेंगे तो आप लोगों को जो भी यहाँ पे है हम लोगों को मिल जाएगा। ओके, तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, होपफुली वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आता है तो ऑब्वियसली आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, इस वाले ईयरड्रॉप को मिस मत करो। इस टाइप के जो ईयरड्रॉप्स होते हैं इसमें लोग काफ़ी कम होते हैं क्योंकि टेक्निकल टास्क को जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइप मतलब काफ़ी क्रिटिकल टाइप का यहाँ पे टेक्निकल टास्क होता है तो लोग यहाँ पे कम होते हैं। तो अगर आप लोग इसको ज्वाइन करना चाहते तो ज्वाइन कर ले, बाकी आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लेना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट एंड ईयरड्रॉप्स आप लोगों से मिस ना हो सके। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद।